आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सलाद, जिसमें चार ककड़ी को छिलका उतार कर बारीक से काट कर अलग से रख लीजिए। तीन बड़े प्याज को छोटे छोटे काट कर अलग से रख लीजिए। चार टमाटर को अलग से काट कर छोटे छोटे काट कर अलग से रख लीजिए। इसी तरह बेबी कम 8 या 10 पीस को गरम गरम पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से उबलते हुए पानी में बेबी कम को डालकर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। उसके बाद पूरा पानी निकाल दीजिए। अब 2 छोटे चम्मच में मस्टर्ड सॉस को अलग से रख लीजिए। स्वाद के अनुसार नमक को डालिए और ब्रोकली जो है उसको भी आधा आधा फ्राई करके रखना है। फ्राई नहीं तो उबाल के रख लीजिए, नमक के पानी में उबाल के अलग से रख लीजिए। अच्छी तरह से उबालना नहीं चाहिए, ये आके अधूरा उबालना चाहिए। और इसी तरह 3 बड़े चम्मच में मायोनीस को अलग से रख लीजिए और 1 बड़े कटोरी में पोमोग्रेनेट को अलग से काट कर रख लीजिए। इसी तरह 2 छोटे चम्मच में शक्कर को अलग से रख लीजिए। अब अलग से एक बर्तन को लीजिए और ये कटे हुए खीरे को डालिए। प्याज डालिए, शक्कर को डालिए, टमाटर को डालिए, उबले हुए बेबी कॉर्न को डालिए, उबले हुए आधा उबला हुआ ब्रोकली को डालिए, पोमोग्रेनेट डालिए, हल्का सा नमक को छिड़क दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि सभी वेजिटेबल अच्छे से मिल जाए। इस तरह मस्टर्ड सॉस को डालिए। अब मायोनीज को डालिए। इसको अच्छे से मिला दीजिए। इस तरह वेजिटेबल सलाद को इस तरह वेजिटेबल सलाद तैयार हो गई है। आप इसे प्लेट में अलग से रख के खाइए और ये बहुत लाभदायक होती है।